कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जम्मू दौरे पर हैं, लेकिन राहुल गांधी के सामने ही कांग्रेस की भारी फजीहत हो गई है। जम्मू में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक रखी थी, लेकिन बैठक में जो हुआ उसने राहुल गांधी को शर्मसार कर दिया, क्योंकि जम्मू प्रभारी रजनी पाटिल अपने ही नेताओं की पोल खोलने लगी। एक तरफ राहुल गांधी बैठे थे तो दूसरी तरफ पाटिल लगातार कांग्रेस नेताओं पर हमला बोल रही थीं। इतना ही नहीं, कार्यक्रम में पाटिल के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। हुआ ये कि राहुल गांधी की बैठक में रजनी पाटिल ने कहा कि जम्मू में कार्यकर्ताओं को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इनकी लड़ाई जम्मू और केंद्र दोनों से एक साथ है। पाटिल ने राहुल गांधी से कहा कि ये ऐसे सिपाही हैं जो पार्टी के लिए अपनी जान को भी न्यौछावर कर देंगे। बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कार्यकर्ता बड़ी ताकत होते हुए भी कमजोर हो गए हैं, क्योंकि इनको पार्टी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हालांकि बाद में रजनी पाटिल ने मामले को बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन तब तक कांग्रेस की इज्जत एक बार फिर राहुल के सामने मिट्टी में मिल चुकी थी। वहीं राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक बार फिर अपने पुराने राग को अलापते नजर आए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी यहाँ की मिली जुली संस्कृति को तोड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं राहुल ने ये भी कहा कि देवी लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती की शक्ति कम हो गई है। राहुल के इस बयान की बीजेपी ने जमकर आलोचना की है। हालांकि जम्मू में कांग्रेस की फजीहत कोई नई बात नहीं है, आजकल कांग्रेस पूरे देश में अपनी फजीहत करा रही है। पंजाब से लेकर राजस्थान, झारखंड, सब जगह कांग्रेस का यही हाल है। पंजाब में पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस आलाकमान को ही ईंट से ईंट बजाने की धमकी दे डाली थी, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और अब जम्मू में भी पार्टी प्रभारी रजनी पाटिल ने दबी जुबान में आलाकमान पर हमला बोला है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर कांग्रेस अपनी गलतियों से सबक क्यों नहीं ले रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी से कांग्रेस इतना डर गई है कि आलाकमान को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।